टेम्परेचर ऑफ अ सन, सन का टेम्परेचर कैसे निकल सकते हैं? सन का रेडियस है कैपिटल आर, सन का टेम्परेचर है टी। सन एनर्जी फेंक रहे, एमिट कर रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और हम अर्थ पे रहते हैं, हमारे लिए अर्थ ही लास्ट है, उसके बाद होता होगा जहां जानी एनर्जी। अर्थ का रेडियस सन से स्मॉल आर है। अब सन कितनी एनर्जी बाहर दे रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया? अगर सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। एनर्जी पर सेकेंड क्या है? पावर है। और सन का एरिया क्या है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से सन की पावर आ गई, सन की पावर निकाल ली। अब एक डेफिनेशन है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट होता है सन की कितनी पावर है और वो एनर्जी कितने एरिया में फेंक रहा है। अर्थ तक का एरिया कितना है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। तो मान लो अर्थ तक एनर्जी आ रही है तो पी अपॉन 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, अर्थ का जो वहां का स्फेयर बनेगा अर्थ तक, सोलर कांस्टेंट है। इस पूरे पी को उठा के यहां पे पुट कर दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दिया, टेम्परेचर एक तरफ ले गए, इसका फोर्थ रूट ले लिया। वैल्यूज अगर पुट करें और परफेक्टली ब्लैक बॉडी लें सन को, तो एमिसिविटी 1 करके टेम्परेचर 6000 केल्विन के आसपास आता है। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है पेपर में, अजीब रट्टे वाला क्वेश्चन है, लेकिन जब से मैं पढ़ा रहा हूं एक बार एक टीचर ने डाला हुआ है, बस जिस दिन उसने डाला ना मैंने शीट में डाल लिया। तो प्रोबेबिलिटी वाइज अगर पूछो आने की तो मेरे को लगता नहीं इसने आना है, पर मैंने करवा दिया। आप एक बार रीडिंग मार जाएंगे फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार आया हुआ जरूर है इसलिए मैंने करवा दिया।